तो दोस्तों ये है हमारी रियल मी की स्मार्ट वॉच। एक होती है रियल मी की स्मार्ट बैंड, ये है हमारी स्मार्ट वॉच जो कि रियल मी ने लॉन्च करी थी 3 महीने पहले यानी कि मई के अंदर। यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हैं और यहाँ पर इसकी डिटेल्स लिखी है, कहाँ पर इम्पोर्ट हुई है, कब इम्पोर्ट हुई है, किसने इम्पोर्ट करी है। और ये हमारा बॉक्स है, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर हमारी वॉच है। पहले दर्शन हमें वॉच के ही हो जाते हैं, फ़ोन की तरह नहीं है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, नीचे क्या है इसके अंदर, तो कुछ है नहीं, खाली है। तो इसके अंदर चार्जर वगैरह है शायद, हाँ तो इसके अंदर ही चार्जर है इसका। और ये मैनुअल है इसकी, कुछ भी काम की मैनुअल नहीं है। और यहाँ पर ये इसका चार्जर है, वायरलेस चार्जर। इसमें हम सिंपली अपनी वॉच को रखेंगे, दो डॉट्स हैं उसको कनेक्ट हो जाएंगे अपने आप। ये एक मैग्नेटिक चार्जर है, देखिए यहाँ से इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे और ये चार्ज होना शुरू हो जाएगी। हमें पहले USB को अडेप्टर में भी लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बिना बिजली के चार्ज हो जाएगी, है यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। और पीछे इसके कुछ सेंसर्स हैं ये, जो कि आपकी हार्ट बीट वगैरह मॉनिटर करते हैं और जो स्टेप्स वगैरह आप चलते हैं, कितने स्टेप्स चले आपने पूरे दिन में, कितने किलोमीटर चले, कितने कैलोरीज बर्न करी। और यहाँ पर मैंने इसकी फिल्म भी हटा दी है, अब एकदम स्क्रीन जो है इसकी मक्खन की तरह चिकनी हो गई है। और इसको स्टार्ट करने के बाद यहाँ रियल मी लिखाता है और पहला वॉच फेस बना हुआ आता है जो कि इसके डिब्बे पर बना हुआ है, ये रहा। और ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है और ये छठा है, मतलब 6 हैं इसके अंदर, 6-7 वॉच फेसेस हैं जो इसके अंदर पहले से हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम फ़ोन से भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाती है ये। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, स्लीप है, इसको पहन के हम सोएंगे तो ये बताएगा हम कितने घंटे सोए। इसमें वेदर भी आ जाता है, ठीक है। और ये वॉच फेस हो ही गया, इसके बाद इसमें हम ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब धूप में भी आराम से दिख जाएगी आपको ये, ठीक है। और यहाँ पर पावर सेविंग मोड भी, हम पावर सेविंग मोड को ऑन कर सकते हैं। और अगर बाहर जाना है तो उसको पावर बटन को प्रेस करके रखिए, जो साइड में बटन है, हम बाहर भी आ जाएंगे पावर सेविंग मोड से। इसमें डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी है, ये डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर देंगे हम तो उसमें कॉल्स वगैरह नहीं आएंगी। और ये रिस्ट है, अगर हम इसको पैन रखेंगे तो ये वाला मोड ऑन होना चाहिए हमारा। और ये एक्टिविटी ट्रैकर है, इसमें हम देख सकते हैं क्या कैलोरीज बर्न वगैरह कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई। उसके बाद नीचे आ जाएंगे हम तो नीचे इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे वर्कआउट, हार्ट रेट, स्लीप, म्यूज़िक। हम म्यूज़िक भी कंट्रोल कर सकते हैं इसी से, फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद हम यूट्यूब वीडियो वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो कहते हैं कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमें चेंज करनी है चेंज भी कर सकते हैं हम यहीं से। स्टॉप वॉच है इसमें। और सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर हमें कस्टम में मिल जाती है 2-3 चीज़ें, जैसे कि स्क्रीन वेकअप, कस्टमाइज हार्ट रेट, कंटिन्यूस हार्ट रेट, सॉरी मतलब हार्ट रेट अगर हमें बंद करना है तो कंटिन्यूस, क्योंकि ये 5-5 मिनट में हमारा हार्ट रेट लेती रहती है वॉच, इससे बैटरी ज़्यादा खर्च होती है, हम इसे कंटिन्यूस को बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ इसमें वॉच का जो है अबाउट है, इसमें सॉफ्टवेयर वर्जन लिखा है, हार्डवेयर वर्जन लिखा है। अभी मैंने अपडेट भी कर ली है वॉच ये फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद। और ये डिस्प्ले की इसकी ब्राइटनेस है 100% मैंने कर ली, और ये कम भी हो जाती है, 10-10 का गैप है इसकी ब्राइटनेस के अंदर। और यहाँ वाइब्रेशन इंटेंसिटी है, इतनी तेज़ हमें वाइब्रेशन चाहिए, लो चाहिए, मीडियम चाहिए, हाई चाहिए, मैं मीडियम में रखूँगा, हाई में बेमतलब में झंझनाट हो जाएगी और बैटरी भी ज़्यादा खर्च होगी। ये तो पावर सेविंग मोड है, यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं पावर सेविंग मोड को। और ये है हमारा वेदर, कलरफुल आ गया थोड़ा सा वेदर अब। और ये स्मार्ट वॉच है, इसमें हम लूप भी लगा सकते हैं स्मार्ट वॉच में, और स्टॉप तो हम कर ही सकते हैं हर किसी वॉच की तरह। और ये हमारा अलार्म हो गया, इसमें हम अलार्म भी लगा सकते हैं, मतलब फ़ोन में लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में लगा सकते हैं हम, एवरी डे का लगा सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर डे का लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं हम। चल भाई बैक हो जाओ। हाँ तो बैक कहाँ से होगा, इसको पहले ऑफ़ करते हैं फिर। हाँ तो बैक हो गया अभी। उसके बाद ये फाइंड माई फ़ोन है, अगर आपका फ़ोन कहीं खो जाता है, लेकिन ब्लूटूथ से कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये कहीं से भी ढूंढ के लिए आएगा। आपका फ़ोन अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट है वॉच से तो ये फाइंड कर लेगा, आपके फ़ोन में रिंग बजेगी, ठीक है। और ये हार्ट रेट मॉनिटर है, आपको अगर हार्ट रेट मॉनिटर करना है तो उसको आप कर सकते हैं। फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए इसको सबसे पहले तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करिए, जैसे नॉर्मली किसी भी डिवाइस को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ये रियल मी लिंक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से, ये डाउनलोड आप कर लीजिए और इसके जितने भी अग्रीमेंट्स हैं सबको अलाउ कर दीजिए। यहाँ पे कंट्री वगैरह चूज़ करने के लिए बोलेगा, या आप कंट्री वगैरह चूज़ कर लेगा अपनी। और यहाँ लिखा है लिंक आ डिवाइस, इस पर मेरे को क्लिक करना है। और यहाँ पर मेरे को थोड़ी आईडी वगैरह बनानी पड़ेगी, वो बना लेता हूँ मैं।
इस ट्राइंगल को इसमें फिट करना है। ये हो गया फिट। अब हमारे फ़ोन पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को मैं डाल देता हूँ यहाँ पर फटाफट से। तो ओटीपी मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर क्यूआर कोड आ गया वॉच के अंदर, इसको मैं यहीं से स्कैन कर लेता हूँ। इस एप्लीकेशन के अंदर भी ऑप्शन है स्कैन करने का, तो स्कैन तो हो गई है, कनेक्टिंग कनेक्ट भी हो गई है। तो यहाँ पर आ गए इसके वॉच फेसेस, जैसे वॉच के अंदर तो चार पांच ही आ रहे थे, इसके अंदर काफ़ी सारे आ गए। अब ये जैसे जैसे वॉच अपडेट होगी, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, तो वैसे वैसे जो वॉच फेसेस है और भी बढ़ते रहेंगे। अभी जैसे मेरे, मान लीजिए मेरे को ये वाला लगाना है, तो मैं ये वाला लगा लेता हूँ। ये देखिए लग गया, मैं थोड़ी वीडियो कट कर दी है। अब मैं ये वाला लगाना चाहता हूँ तो ये वाला भी लग गया। फ़ोन से मतलब हम जो लगाना चाहते हैं वो हम लगा सकते हैं, हम वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को एक कृष्ण जी की फ़ोटो लगानी है, वॉलपेपर आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं इसकी जगह। तो मैं इसको वॉच फेस की जगह यूज़ कर लेता हूँ। टाइम ऊपर रखना चाहते हैं आप ऊपर रख लीजिए, नीचे रखना चाहते हैं नीचे रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और मेरे में जो है वॉच फेस आ जाएगा। ये देखिए वॉच के अंदर आ गई ना फ़ोटो, कितनी अच्छी लग रही है। इस तरीके से आप किसी की फ़ोटो लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसके कुछ नोटिफिकेशन के लिए परमिशन दे देता हूँ, जिससे कि अगर मेरे को कोई व्हाट्सएप वगैरह पे भी मैसेज आता है या मेरे को कॉल आती है तो मेरी वॉच में जो है शो हो जाए। तो अब मैंने कॉल करा अपने फ़ोन पर, तो देख सकते हैं आप मेरे फ़ोन पर भी कॉल आ रहा है और मेरी वॉच में भी कॉल आ रहा है। इस वॉच से आप फ़ोन को काट सकते हो या फिर म्यूट कर सकते हो, यानी कि फ़ोन की जो रिंग है वो बंद कर सकते हो। और यहाँ पर साइड में पावर बटन है और ये इसके स्पोर्ट्स मोड है, योगा करते हो तो योगा मोड को ऑन कर लो, क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट मोड को ऑन कर लो। तो बस यही है इस वॉच के फीचर्स। अब ज़्यादा मैं दिखाऊंगा तो वीडियो बन जाएगी लंबी बेमतलब में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, और दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को ज़रूर।